हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, आज फर्स्ट क्लास है, इस चैप्टर का इंट्रो क्लास है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करना है कि सब्सटेंसेस को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो सब्सटेंसेस क्या सेपरेट करना है समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी कि आपको क्या कि कुछ सब्सटेंसेज है जो कि मिक्स है, आपको उसको अलग अलग करना है। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कि जैसे समझ लेते हैं कि मान लो कि एक पेपर पे या किसी बर्तन में आपको क्या है, शुगर है, चीनी है। ठीक है, और दूसरे बर्तन में या दूसरे पेपर पे क्या है, सॉइल या मिट्टी है। ओके, आप जो है क्या करो, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे जो है आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या दिखता है शुगर में। ठीक है, और सॉइल को भी देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको क्या करना है, देखना है इसको। ओके, तो आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या दिखता है, ठीक है, तो क्या दिखता है, तो इसमें शुगर में क्या दिखता है, तो शुगर का कलर, शुगर का शेप और शुगर का साइज। इसमें शुगर का जितना भी पार्टिकल्स है, सभी का जो है कलर या शेप या साइज क्या है, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर द सेम, है कि नहीं। आप शुगर लो, चीनी ले लो किसी बर्तन में, आप देखो उसमें जितने भी चीनी के दाने होंगे यानी कि पार्टिकल्स होंगे, प्रत्येक सबके सब का जो है क्या होगा, सभी का कलर, शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का हो गया। ओके, यानी शुगर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, यानी कि शुगर में चीनी में एक ही प्रकार का पार्टिकल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का पार्टिकल होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। इसीलिए कैंड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, शुगर को क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। क्योंकि सेपरेशन हमको समझना है, तो इसीलिए पहले हम सब्सटेंस समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, तो शुगर जो आपने लिया और उसको देखा, तो उसके प्रत्येक पार्टिकल जो है क्या है, उसके कलर, साइज और शेप क्या है, सेम है प्रत्येक पार्टिकल का। ठीक है, उसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि शुगर का जो है शेप, साइज और कलर जो है सेम होता है, यानी कि शुगर क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस है। शुगर क्या हो गया, चूंकि शुगर में जो है कोई मिक्स नहीं है, कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं है, इसलिए शुगर क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। ओके, चलो मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल की। ठीक है, जब हमने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो क्या दिखा, सॉइल कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर, इसमें जो है अलग अलग डिफरेंट कलर हमको दिखा। सॉइल को हमने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो इसमें डिफरेंट कलर दिखा और शेप भी और साइज भी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पार्टिकल का अलग अलग कलर दिखा, शेप दिखा और साइज दिखा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सॉइल कंटेंस क्ले पार्टिकल, ग्रास पार्टिकल एंड इवन सम डेड पार्टिकल, इंसेक्ट, यानी कि सॉइल में आपको क्या होता है, क्ले पार्टिकल होता है, कुछ पत्तियां उतियां मिट्टी में मिल जाती है, तो यानी कि पत्तियां भी होती है, ग्रास, घासेस, ठीक है, वो सभी मिट्टी में मिला हुआ रहता है, वो भी आपको मिलेगा। यहाँ से कि इवन डेड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, उसका डेड बॉडी भी आपको सॉइल में मिलेगा। इसका मतलब है कि सॉइल में सिर्फ एक ही पार्टिकल नहीं है, सॉइल में ढेर सारा पार्टिकल है, इसीलिए उसका कलर, शेप और साइज क्या हो जाएगा। तो आपको दो तरह का, तो एक ये सब्सटेंस हो गया, तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें इसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स मिक्स है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल इसमें मिक्स है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये हो गया प्योर सब्सटेंस और ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, प्योर शुद्ध, इम्प्योर शुद्ध। ठीक है, इसी को जो है ना हम मिक्सचर भी कह सकते हैं,
इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, मतलब इसमें एक ही नहीं है, जो ही किसी भी पार्टिकल में एक से ज्यादा पार्टिकल जब मिला हुआ हो तो उसको इम्प्योर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इम्प्योर कहेंगे। चूंकि मोर देन टू और मोर देन टू पार्टिकल्स मिक्सअप हो तो उसको मिक्सर कहेंगे, यानी कि उसको या तो आप इम्प्योर कहिए, चूंकि ये शुद्ध नहीं रहा इसमें, ये शुद्ध जो है शुद्ध नहीं रहा, इसमें ढेर सारा पार्टिकल मिला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इम्प्योर, अशुद्ध सब्सटेंस है, और चूंकि इसमें ढेर सारा पार्टिकल मिला हुआ है इसलिए इसको हम मिक्सर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। द सॉइल कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो सॉइल को क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। तो आपको सबसे पहले सेपरेशन को समझने से पहले आपको सब्सटेंस समझ लेना है। ठीक है, तो सब्सटेंस आप समझ गए कि सब्सटेंस को हमने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ये प्योर तो दूसरा ये इम्प्योर। पहला ये प्योर सब्सटेंस, पहला ये प्योर सब्सटेंस, जैसे एज फॉर एग्जांपल में शुगर, और सेकेंड वन इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, जैसे एग्जांपल में सॉइल। क्लियर है। तो प्योर सब्सटेंस आपके पास प्योर सब्सटेंस है और इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है? सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, पृथक करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो प्योर सब्सटेंस को हम तो पृथक कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक ही कैंड्स, एक ही प्रकार के जो है पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं करेंगे, हमको करेंगे किसको? मिक्सचर को, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को हमको सेपरेट करना है। सेपरेट किसको करना है? इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सब्सटेंस समझ गए किसको सेपरेट करना है, मिक्सचर को, तो आपको मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मिक्सचर को हम लोग कई विधि से सेपरेट करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके।